हेलो गाइस, दिस इज़ रिकी एंड यू वाचिंग माय चैनल। सो गाइस, मैं आज आपको आइस का टोटल देने वाला हूँ। सो गाइस, आपको ऐसे 3 कॉलम्स और 3 रोज ड्रॉ कर लेने। सो गाइस, पहली आइस यहाँ से यहाँ तक आएगी और दूसरी आइस यहाँ से यहाँ तक आएगी। सो गाइस, आपको 3 ऐसे रोज ड्रॉ कर लेने और ऐसे 3 कॉलम्स ड्रॉ कर लेने। सो गाइस, याद रखिएगा हर बॉक्स का रेशियो 4:2 होगा। जो 9 बॉक्स ये मैंने ड्रॉ करे हैं, हर का रेशियो 4:2 होगा। आप चाहे तो इसी रेशियो में कितना भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 4:2 रखा है। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे पहली आइस ड्रॉ होगी। सो गाइस, आपको इस तरह एक बार ड्रॉ करना है नॉर्मली सिंपल आइस के लिए। सॉरी, ऐसे आपको कर्व ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से आप थोड़ा मोड़ दीजिएगा और यहाँ से थोड़ा अंदर ले जाकर थोड़ा सा बाहर लाइएगा और जहाँ से आपने स्टार्ट करा था वहीं पर एक और कर्व बनाकर ले जाइएगा। एंड इसी के पैरेलल आपको एक और लाइन ले जानी है। तो गाइस, लेंस के लिए आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ऐसे सर्कल एक ड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइस, ये रियल टाइम वीडियो है। सो गाइस, इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत स्लो स्लो से बता रखा है कि आप एक आइस ड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइस, आप वीडियो बस देखिए, आप अपने आप कुछ सीख जाएंगे। अगर आपने आज तक आइस ड्रॉ नहीं करी है तो आप आइस ड्रॉ करना सीख जाएंगे और आपके प्रोपोर्शन भी अच्छे आएंगे। इस मेथड का यूज़ करेंगे तो आपके प्रोपोर्शन सही जाएंगे। सो गाइस, अंदर एक पुपिल्स होता है। सो गाइस, पुपिल्स के लिए मैं भी एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। सो गाइस, ये पुपिल्स हैं। एंड गाइस, आइस में हाईलाइट एरिया होता है। सो गाइस, ये हाईलाइटेड एरिया है। ये ब्लैक एरिया होगा। गाइस, आपको इसी के पैरेलल इस इतनी हाइट पर दूसरी आइस ड्रॉ करनी है। सो गाइस, उसके लिए लाइन कर रहा हूँ, कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। सो गाइस, आपको भी ऐसे ड्रॉ करना है। सो गाइस, यहाँ से ले जाके थोड़ा सा वैसे मोड़ दीजिएगा। सेम टू सेम आपको दूसरी आइस पहली आइस की तरह ड्रॉ करनी है उतनी हाइट पर। सो गाइस, देखिए कैसे ड्रॉ हो रहा है। सो गाइस, आइस के ऊपर थोड़ा लाइंस होती है, तो ये लाइंस है जिससे आपका आइस रियलिस्टिक लगेगी। तो जितनी हाइट पर मैं
ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरी आइज में भी मैं इतनी हाइट पर ड्रॉ करूँगा। और गाइज ये लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी होता है क्योंकि यही रियलिस्टिक इफेक्ट लाती है आइज में। सो गाइज इसी इतनी हाइट पर मैं दूसरी आइज में भी ड्रॉ कर लूँगा, दूसरी आइज के बाहर भी ड्रॉ कर लूँगा। सो गाइज इस वाले बॉक्स में आईब्रो ड्रॉ आएगी। सो गाइज ऐसे आईब्रो ड्रॉ कर सकते हो, हल्का हल्का भी लगाइएगा और थोड़ा सा बाहर निकाल लीजिएगा तो आपको इरेज करने में फिर प्रॉब्लम ना आए, इसलिए पेंसिल को हल्के हाथों से और हल्का हल्का चलाइएगा। सो ऐसी दूसरी आइज की आईब्रो भी मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। सो गाइस इन लाइन को मैं अब मिटाने वाला हूँ। सो नॉर्मली इज़र का यूज़ कर मैं इसे मिटो दे रहा हूँ। सो ये लाइन मैंने मिटो दी है। गाइस आपको यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये थोड़ा आइज़ के नीचे उभरा उभरा पार्ट होता है वो है ये, इससे आपकी आइज जो है वो उभर कर आएगी, रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा। सो ऐसे ही आपको दोनों आइज में ड्रॉ कर लेना है। सो गाइस जब आती है सेडिंग की बात तो नॉर्मल लाइट पेंसिल का यूज़ कर आप एक ही डायरेक्शन में सेडिंग कर सकते हैं जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और आराम से ड्रॉ करिएगा इजीली, जिससे आपको अच्छी स्किन टेक्सचर मिल सके। सो वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। सो गाइज अब मैं डार्क पेंसिल का यूज़ कर डार्क एरियाज ऑप्ट कर रहा हूँ। सो ये जो आइज़ का ब्लैक वाला पार्ट होता है इसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और गाइज पेंसिल को थोड़ा हल्के हाथों से पकड़िएगा जिससे उसकी लेड ना टूटे, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई मत करिएगा। सो गाइज ये थोड़ा और ब्लैक कर दीजिए इसे, और इस वाइट एरिया को छोड़ दीजिए ऐसी, क्योंकि ये आइज़ में रियलिस्टिक इफ़ेक्ट लाने के लिए बढ़िया होता है। और यहाँ लाइट पेंसिल HB पेंसिल का यूज़ कर इसे ड्रॉ कर लीजिए, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई मत करना थोड़ा, वरना ऑकवर्ड सी लगेगी आइज़। और यहाँ पर थोड़ा लाइट पेंसिल का यूज़ कर इसे भी शेड कर लें। सो गाइज अब मैं डार्क पेंसिल 4B पेंसिल का यूज़ कर इसे और डार्क कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर 4B पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये एरिया डार्क होता है, इसलिए मैं डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप तो चाहे 2B पेंसिल की 2-3 लेयर चढ़ा सकते हैं। सो मैं आपको बस सिखाने का है, सो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो गाइज यहाँ भी मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइज जहाँ भी मैं डार्क वैल्यू का यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे मैं
फोर ई पेंसिल या फाइव ई पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और जहाँ लाइट करना है वहाँ एच बी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप तो अलग पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, वो तो मेरे को बस वीडियो में आपको बताना है कि डार्क और लाइट एरिया कैसे ऑप्ट करते हैं, इसलिए मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ। सो गाइस, वीडियो देखते रहिए, कीप वॉचिंग, एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में नोज़, ईयर, फेस और ह्यूमन फिगर्स सब ड्रॉ करने वाला हूँ। सो गाइस, देखते रहिए, कीप वॉचिंग। सो गाइस, जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे जैसे शेड कर रहा हूँ, जैसे जैसे ब्लेंड कर रहा हूँ, आप देखते रहिए। सो गाइस, आपको डार्क पेंसिल का यूज़ कर हम आईलैश ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैं पेंसिल ले लिया डार्क, सो अब आईलैश ड्रॉ कर लेते हैं, और इन्हें अपने हल्के हाथों से ड्रॉ करिएगा और एक ही साइड ड्रॉ करिएगा, एक ही डायरेक्शन में, और नीचे भी थोड़े हल्के हल्के ड्रॉ कर लेते हैं। और जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा हाईलाइट करना है, सो उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट करने के लिए आप करेक्शन पेन या वाइट जेल पेन यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, मैं करेक्शन पेन यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइस, सो गाइस, आईब्रोज ड्रॉ करने के लिए जैसे स्ट्रोक्स मैं लगा रहा हूँ, वैसे आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं सिंपली। एक बार स्ट्रोक्स ऊपर, एक बार स्ट्रोक्स नीचे, और इस वाले स्ट्रोक्स को यूँ लगाने। स्ट्रोक्स लगाने के बाद आप इसे ब्लेंड कर दीजिए, और उसके बाद अगर आप चाहना चाहे, आपकी चाह के ऊपर है, आप उसे हल्का हल्का इरेज कर सकते हैं इरेजर का यूज़ करके, और फिर डार्क पेंसिल का यूज़ करके ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स लगा देने। लाइट टू डार्क चलोगे तो थोड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट आता है, इसलिए मैं पहले लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर दिया और फिर उसके ऊपर डार्क पेंसिल चला रहा हूँ। सो आपको सिंपली ऐसे स्ट्रोक्स ऊपर, एक बार ऊपर, एक बार नीचे स्ट्रोक्स लगाने, इससे आईब्रोज अच्छे लगते हैं, और हल्के हल्के बाहर एक दो स्ट्रोक छोड़ दिएगा जिससे थोड़ा लुक बढ़िया लगे। सो गाइस, सिंपली लगभग एक आइज ड्रॉ हो चुकी है। सो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला तो नोज़ वाला पार्ट है। सो सेम टू सेम अब यही मेथड दूसरी आइज लगाते हैं। सो गाइस, मैं वीडियो थोड़ी फास्ट कर रहा हूँ कि वीडियो कम से कम 15 मिनट की हो चुकी है। सो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप
स्किप करके ना देखें, इसलिए आप वीडियो को पूरी देखें, इसलिए मैं वीडियो थोड़ी फास्ट कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो का मज़ा लीजिए, और जैसे सेम पहली आइज ड्रॉ करे थे सेम वैसी दूसरी आइज आपको ड्रॉ करनी है। सो गाइज, अब हम दूसरी आइज ड्रॉ कर लेते हैं। सो गाइज, मैं वीडियो थोड़ी फास्ट करूँगा क्योंकि मैंने आपको पहली आइज दिखा दी है कि कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लगभग 15 मिनट की हो चुकी है, इसलिए मैं इस वाली आइज को स्पीड में ड्रॉ करूँगा। वीडियो स्पीड में कर रहा हूँ। अगर आपको देखना है कैसे ड्रॉ करना है तो आप पहली आइज को बार बार देखिए, और इस वीडियो को यहाँ पे स्लो कर लीजिएगा। सिंपली आपको पहली आइज की तरह ड्रॉ करना है, जैसी पहली आइज ड्रॉ करी है वैसी दूसरी आइज भी ड्रॉ करनी है, कोई अलग नहीं। बस हाइलाइटेड एरिया आपको देख लेना है और डार्क एरिया आपको देख लेना है। मेथड आपको सेम वही लगाना है। सो गाइस, ये आइज दोनों ड्रॉ हो चुकी है। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिससे आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आने वाली वीडियोस ट्यूटोरियल्स के लिए आप रेडी रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।